गोपाल शर्मा का एंटीक पीस मेरा हो गया। काम करता हूँ मैं, एक मंदिर की तरफ राउंड मार के आता हूँ और गोपाल शर्मा को जलाता हूँ। अरे वो पत्थर तो हटा लूँ पहले। शर्मा जी की मुगले आजम। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? जैसा शर्मा वैसी उसकी गाड़ी। अब शुरू हो। थैंक यू शर्मा जी, स्टार्ट हो गई। कमाल है। चल चल क्यों नहीं रही है? चल। नहीं नहीं, पत्थर लगा दूं पहले। अरे गोपाल शर्मा का सैंपल। हाँ। अरे रस्सी, ये रस्सी किसने बांधी? कौन है यहाँ पे? अरे 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 रुक रुक, अरे रुक, अरे मेरी गाड़ी, अरे अपने आप चलती है, अपने आप चलती है। मैंने तुमसे बोला जब तक मेरी गाड़ी मुझे वापस नहीं मिलेगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा मैं। पापा आप तो जानते हैं ना, सक्सेना अंकल किसी भी हालत में कार वापस नहीं करेंगे। मैं कुछ कहूंगा तो बुरा मान जोगे मैं बेटा, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। अब जितना बुरा आप समझती है ना सक्सेना अंकल को, उतने बुरे हैं नहीं सक्सेना अंकल। और गोपाल जी जो भी हैं, जैसे भी हैं तो हमारे पड़ोसी ही ना, उनको दुखी नहीं देख सकते हम। तो ये गाड़ी की चाबी हम आपको दे रहे हैं, लीजिए। ये कार आपकी थी, ये कार आपकी है और ये कार आपकी रहेगी। तोते उड़ गए। ओ सक्सेना तू कमाल कर दिया भाई तूने। सक्सेना साहब आप ना घर आके अपने 50,000 रुपीस ले जाइएगा जी। दामाद जी अब तो कुछ खाइए। पार्थ तुम प्लीज कुछ खा लो ना,
गोपाल, जब से तुमने कुछ नहीं खाया ना, तब से मैंने भी कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया है। तुम प्लीज कुछ खा लो ना, और तुम मुझे कितनी देर भूखा रखोगे? मुझे पता था बाल गोपाल, तुम अपने पार्थ को कभी हारने नहीं दोगे। पार्थ, एक बात कहूं, तुम्हें उदास देखकर तो इस बार मैंने तुम्हारी सहायता कर दी है, लेकिन तुम्हें याद है ना कि महाभारत के कुरुक्षेत्र में मैंने क्या कहा था? परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, और समय के साथ हर चीज में परिवर्तन आना जरूरी है। तुम्हें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि परिवार के भावना का भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ बाल गोपाल, तुम्हारे इस उपदेश को जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुमसे एक बात कहूं, तुम जब वो अजीब अजीब से चेहरे बना रहे थे ना, बहुत अच्छे लग रहे थे। एक बार फिर से ऐसे चेहरे बना के दिखाओ ना। अरे दिखाओ ना, बहुत अच्छे लगते हो तुम।